Abhay, do you have any connectivity problem? Like I see you struggling through the entire class. You join and then unjoin and यस मैम, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है are you in Patna or somewhere else? मैम। पटना से इधर लेफ्ट साइड में पड़ता है, बख्तियारपुर साइड उधर है। बख्तियारपुर, ओके। आई सी यू स्ट्रगलिंग थ्रू द एंटायर क्लास, योर नेटवर्क इश्यूज। यस मैम, बीच में क्लास बहुत मॉर्निंग ज्यादा डिस्टर्ब होता है। मॉर्निंग Let everyone join because today I'm going to start a new topic. So I want everyone to get the concept. Okay, if you miss the lecture for the first 10 minutes or something, maybe you'll have problem understanding it. Just let everyone join 2 more minutes. Okay. Since this is morning time, I can request you to switch on the cameras so that the class can become interactive. It's a new topic, so I would like the class to interact. Switch on your cameras. Others, please, apart from Akanksha. Today, we are going to start a new topic, which is career planning and development. Fine. After training and development, this is yet important, another important chapter in HRD. आपका एचआरडी का सिलेबस काफी कंसाइज है जो दिया हुआ है, लेकिन जितना भी दिया हुआ है, जो टॉपिक्स दिया हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वाज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड दिस इज द सेकंड टॉपिक व्हिच इज करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक इन योर, नॉट जस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, बट फॉर योर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एचआर एज अ सब्जेक्ट। दिस टॉपिक इज वेरी इम्पोर्टेंट। What exactly do you understand by career? Career planning समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि करियर क्या होता है। Please switch on your cameras. This will make the class interesting. No, आपको लगता होगा कि HR is easy, but unless and until you get definitions, आप उसके आगे की चीज को dovetail नहीं कर पाएंगे। क्या समझ में आता है करियर से? What can you think of career? जब कहते हैं आप कि करियर बनाना चाहते हैं या किसी बंदे का 10 साल का करियर है, इससे आपको क्या समझ में आता है? What do you understand by this? मतलब उसका मतलब potential कितना है उसके पास, वो कितना कुछ कर सकता है, well settled है अपने लाइफ में। And do you find any difference between career and job? Do you understand anything that is different between career and job? मैम जिसमें satisfaction fulfill हो गया, मतलब career में career अच्छा लग गया, जिसमें satisfaction नहीं, वजह से हम job कर रहे हैं, इसमें satisfied नहीं है, हम सिर्फ अपने मतलब रोटी कपड़ा मकान के लिए job कर रहे हैं, तो वो मतलब job हो गया। अच्छा, तो going by what you just said, तो तुम्हारे according अगर तुमने 2 साल कहीं ऐसी जगह पे काम किया है जहां कि तुम सैटिस्फाइड नहीं हो, ओके, द प्लेस वेयर यू आर नॉट सैटिस्फाइड, क्या वो तुम्हारे करियर में काउंट नहीं होगा? यस मैम, काउंट होगा, काउंट तो होगा, बट यू जस्ट सेड कि मैम जिसमें सैटिस्फाइड नहीं है वो जॉब हो गया, जिसमें सैटिस्फाइड है वो करियर हो जाएगा। यू सेड दिस? यस मैम। अब बताइए
अब समझ में आ रहा है कि डिफरेंस होता है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस होता है, उसको समझा जाता है. एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मगिंग अप द डेफिनेशन इन बुक. और बताइए एनी आइडियाज, व्हाट इज करियर, व्हाट इज जॉब, इज देयर एनी डिफरेंस, इज देयर नो डिफरेंस, व्हाट इज इट अबाउट? बेसिकली बोल सकते हो जॉब वो है जो हम अपने स्कूल से. बी लाउडर. हु इज सेइंग? दिव्या. यस सर. ओके दिव्या, प्लीज बी लाउडर. अपने फुलफिल करने के लिए जो जो काम करते हैं, जिसके एक्सचेंज में हम लोग को मनी मिलता है, उसको हम लोग जॉब बोलते हैं. समथिंग करियर हो गया कि हम किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, किस जगह पे हम अपने आप को देखते हैं, उस चीज के लिए काम करना, उस चीज के लिए कंटिन्यू करना. अच्छा, देखो मैम. हाँ मैम, जॉब हो गया जो हम लोग जैसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट रेगुलर बेसिस पे करता है और जो पेड होता है, और करियर हो गया कि ओवरऑल हम लोग क्या अचीव किए हैं या फिर क्या 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 लाइफ में हम लोग मतलब प्रोग्रेस किए हैं, उसको हम लोग करियर में ऐड करेंगे. टू एन एक्सटेंट यू आर गेटिंग क्लोजर. ठीक है, थोड़ा क्लोज हो तुम. देखो, जॉब का मतलब होता है एनी एम्प्लॉयमेंट दैट यू गेट. तुम बीबीएम से निकल के, सपोज करो तुम बीबीएम से निकल ली, तुमने मैनेजमेंट पढ़ा, तुम हालांकि मैनेजमेंट में सब कुछ आता है, लेकिन अगर सपोज करो कि तुम आर्ट्स के डोमेन से जो लड़का या लड़की आता है उससे रिलेटेड अगर कोई काम करते हो, तो दैट इज अ जॉब. यू गॉट अ जॉब एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट जॉब. करियर का मतलब होता है, जैसे तुम अगर बीबीएम कर रहे हो फिर तुम एमबीए कर लोगे, रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज. ठीक है, दिस इज कॉल्ड करियर. करियर का मतलब क्या हुआ? करियर मींस रिलेटेड, नॉट सिमिलर. ऐसा नहीं है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट. ऑफ कोर्स तुमने, जैसे कि तुम मार्केटिंग में 2 साल काम कर लिए, लेकिन उसके बाद तुमको अच्छा ऑफर मिला तो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कम्युनिकेशन में भी काम कर लिए. ठीक है, दिस इज नोन एज जो सिमिलर, थोड़ा मिलते जुलता वर्क एक्टिविटीज जो आप पूरे थ्रू आउट योर लाइफ करते हैं, इसको करियर बोला जाता है. ठीक है, नाउ यू विल बी वेरी, नो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू टू नो कि जो हम लोग करते हैं वो बुक में भी स्क्रिप्टेड है, बुक में भी वैसे ही लिखा है. तुम्हारे मॉड्यूल में एक एक दो चीज नहीं लिखी गई है, जैसे स्टेजेस ऑफ करियर, ये तुम्हारे मॉड्यूल को हम देख रहे थे उसमें नहीं दिया हुआ है. लेकिन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्टेजेस ऑफ करियर, इट विल नॉट बी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ये करियर डेवलपमेंट वाला जो क्लास है, करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट, ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा. सो आई डिसाइडेड कि ये तुम लोगों को हम बता दें कि स्टेजेस ऑफ करियर क्या होता है. ठीक है, स्टेजेस ऑफ करियर क्या होता है एंड इन विच स्टेज आर यू करेंटली. तुम अभी किस स्टेज पे हो? तुम अभी थर्ड ईयर में हो, विच स्टेज आर यू इन? नाउ करियर प्लानिंग, करियर समझ में आया? नाउ वी ऑल हैव थॉट्स अबाउट समथिंग. आपने बीबीएम चूज किया तो कुछ सोचा होगा, बीबीएम के आगे भी कुछ सोचा होगा. ठीक से अभी समझ नहीं आ रहा तो शायद पास करने के बाद एक आध साल का एक्सपीरियंस किसी जॉब पे या किसी बड़े से देख करके समझ में आएगा. बट द फैक्ट इज दैट We always plan career, right? We all do career. And the good thing is that career ki planning na sirf individual karta hai, na sirf employees karta hai, but career ki planning organization bhi karti hai aapke liye. They provide you a platform of career planning. Bahut baar hum aapko ye bata chuke hain कि when you go to an organization, you have your own desires to advance in career and to have a sense of fulfillment also, right? ये होता है. आप अभी किसी organization के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, organization commitment नहीं जान रहे हैं, अभी आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने हिसाब से career planning कर रहे हैं. ठीक है, I can imagine कि lump sum the age in which you all are,
the age in which all of you are would be around 20. Okay. Yes, ma'am. Around 20. किसी का थोड़ा ज्यादा होगा, किसी का एक आध साल कम भी हो सकता है. You are doing career planning. Okay. Not only you, but the organization also plans for career planning. If the organization does not give you an opportunity for career planning, you will not be willing to join. Okay? Because your sense of fulfillment will not be achieved. आप अभी कुछ सोच करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, अगर आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? अगर आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, करियर में फर्दर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ करियर प्लानिंग क्यों जरूरी होती है और ऑर्गेनाइजेशन क्यों अपॉर्चुनिटी देता है, ये बताओ. मैम करियर प्लानिंग बेटर ग्रोथ के लिए जरूरी है, बिकॉज अगर हम अपने करियर के लिए प्लान नहीं करेंगे तो हम उसको प्रोसीड नहीं कर पाएंगे. ओके, और अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाएंगे. ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऑर्गेनाइजेशन पर्पस इसलिए जरूरी होता है मैम कि अगर हम एम्प्लॉय को उसके करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देंगे तो एम्प्लॉय अपने काम को और एफिशिएंसी वर्क टाइप पर मतलब अच्छे से करेगा एंड अपना ट्रू, ये सही है. और देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट? An organization will consist of human resources, and a good and competent organization is based upon its human resources. Now, अगर वो अपने human resources को develop नहीं करे, career advancement की opportunity ना दे, career planning का क्या मतलब होता है कि they provide you opportunity to develop, they will frame a path for development. जैसे तुम MBA करके किसी organization को join करते हो, ठीक है? तुम जब MBA करके ज्वाइन करोगे, द पोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली जो पोस्ट आपको मिलेगा वो होगा प्रोबेशन पीरियड में मैनेजमेंट ट्रेनी का, ठीक है? अब ये समझो कि मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद की जो अपॉर्चुनिटी तुमको दी जा रही है, यानी मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद यू विल गेट अ चांस टू गेट प्रमोटेड टू असिस्टेंट मैनेजर, आफ्टर दैट यू विल गेट अ चांस टू गेट प्रमोटेड टू डेप्यूटी मैनेजर, आफ्टर दैट You may get a chance to get promoted to manager, यानी कि एक जो करियर का ग्रोथ, एक करियर का पैटर्न जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किया जा रहा है, दिस इज नोन एज करियर प्लानिंग, ठीक है? दिस इज नोन एज करियर प्लानिंग. और ये ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोवाइड नहीं करेगी, दिस मीन्स कि इट इज नॉट वर्किंग इनफ टूवर्ड्स द डिवेलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अंडरस्टूड? It will not work. It means that it is not working enough towards the development of human resources, and it is stagnating the growth of its people, which is not favorable to the organization. Okay, this is not going to be favorable for the organization. People will not stay there, and people will not look up to the organization. So it becomes so. This is beneficial both for the employee and the employer. Understood? Write down few points and then I'll explain you what is stages of career. Stages of career is something that is not mentioned in your module, but I think you must know that is one interesting part of career growth. And aap thoda zyada topic ko samajh payenge agar us cheez ko bhi padhte hain to. Write down the definition. A career is a sequence of separate
बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज A career is a sequence of separate but related work activities that provides continuity and meaning to your life. That provides continuity and meaning to a person's life. In case of an employee, career planning provides an answer to the question as to where he will be in the organization. After 5 years. Ma'am, if I first repeat for you. Okay. In case of an employee, career planning provides an answer to his question as to where he will be in the organization. After 5 years. After 5 years or after 10 years, right now, or after 10 years, or what the prospects of advancing, or growth, are in the organization. Okay. Then you write down one definition for career planning. उसके साथ ही लिखिए. A career is not an event or an end in itself. But a process of development of human resources. It is an effective part of. बोलो. I'm network disturbance में छूट गया. कहाँ से छूटा है? Organization. अच्छा तो काफी मिस हो गया है तुम्हारा. अच्छा ठीक है, write down. You take it from somewhere, Suman. Okay. Suman बोलो ना. Okay. Yes, ma'am. Okay. A career is more than just the job. कहाँ तक लिखा है Akanksha? Ma'am, it is an effective part of. It is an effective part of management at workplace. Management at workplace. अब एक स्टार मार्क करके एक इंपॉर्टेंट कोट है करियर के बारे में, वो लिखिए. स्टार मार्क करके लिखिए. दीज थिंग्स यू शुड ऑलवेज राइट इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स टू यू नो ब्राइटन योर आंसर. राइट डाउन. अ करियर इज मोर देन. अ करियर इज मोर देन जस्ट द जॉब or sequence
A career is more than just the job or sequence of jobs. A career is more than just the jobs or sequence of jobs a person holds over a lifetime. A person holds over a lifetime. It is the individually perceived. It is the individually perceived sequence of attitudes. It is the individually perceived sequence of attitudes and behaviors. It is the individually perceived sequence of attitude and behaviors associated with work-related activities. Associated with work-related activities and experiences over a person's life. Over a person's life. Done? Yes, ma'am. तो करियर के बारे में वी आर डिस्कसिंग अबाउट करियर कि व्हाट इज करियर. सो यू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें आपने करियर और करियर प्लानिंग के बारे में लिखी. यू अंडरस्टूड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करियर टू यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करियर प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन. क्यों आपके करियर प्लान्स को ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स के साथ अलाइन किया करता है. क्यों इज देयर नॉट एनी बेनिफिट दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ड्रॉइंग आउट ऑफ इट. देयर सर्टेनली इज नथिंग. नथिंग इज डन विदाउट अ रीजन. ओके नाउ कैमरा ऑन कीजिए एंड मेक दिस क्लास लिटिल इंटरैक्टिव. आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन. ऑल ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमराज. All that is written in book, all that we are going to study theoretically is already there in your mind. Okay, this always is there in your mind. You just have to collect it and do not shy away from giving the answer which you think is an honest answer. Aapke liye career kya hai? The question to you is, what is career for you? You tell me. Third year aa gaya. Now you are on the verge of third year, to sabse fast bhagta hai. Theek hai? सबसे फास्ट भागता है. आपको पता भी नहीं चलेगा आपके कॉलेज से निकलने का टाइम हो जाएगा. सो यू मस्ट बी अब जाके आपको थोड़ा मार्केट समझ में आता होगा. थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होता होगा मार्केट में. राइट सेकेंड ईयर तक फिर भी ये दिमाग में रहता था कि ठीक है अभी थर्ड ईयर में जाना बाकी है ना. बट इन थर्ड ईयर अब लगता होगा अब क्या, अब तो ग्रेजुएट हो जाएंगे. पता नहीं चला. थर्ड ईयर ऐसे ही निकल जाता है वो भी पता नहीं चलेगा. बिलीव मी द फाइनल ईयर इज फास्टेस्ट क्योंकि उसके बाद प्रोजेक्ट वाइवा एंड ऑल दैट उसकी वजह से ये थोड़ा स्पीड में जाता है. सो टेल मी स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. आपके लिए करियर क्या है? व्हाट इज करियर फॉर यू? एंड डू नॉट फैब्रिकेट योर आंसर. ठीक है, आंसर को किताबी लैंग्वेज में बनाने की जरूरत नहीं है. आप जो भी सोचते हैं करियर के बारे में, जो भी करियर से रिलेटेड अपने फैमिली अपने समाज के बारे में अपने एकेडमिक्स के बारे में, यू प्लीज बी ऑनेस्ट हियर. व्हाट इज करियर अकॉर्डिंग टू यू एंड व्हाट इंपॉर्टेंस डज बिल्डिंग करियर गिव टू यू. विनीत क्या सोच रहे हो?
क्या सोचते हो करियर के बारे में? क्या इम्पोर्टेंस रखता है करियर तुम्हारी लाइफ में? मैम, करियर में लाइफ को थोड़ा ग्रोथ करने में मदद करता है, फिर हम अपना लाइफ मतलब अच्छे से जी सके, कुछ मतलब दिक्कत ना हो बीच में। अच्छा विनीत, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, इज योर करियर ओनली रिलेटेड टू मनी? नो मैम। व्हाई एंड हाउ? चलो, दिस क्लास विल बी अ डिस्कशन, नो दैट दैट ओनली आफ्टर दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ करियर और हर स्टेज पे क्या चैलेंज होता है। मनी रिलेटेड टू करियर। ओके, यू कनेक्ट मनी विथ करियर। यस, मनी रिलेटेड टू करियर, मतलब अगर हम अपने करियर में अच्छे ज्यादा से ज्यादा मनी भी अर्न कर सकते। मनी रिलेटेड टू करियर, ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है और यू सिंपली रिलेट योर करियर विथ मनी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए करियर बनाना हो। ठीक है, ये सुना है तुमने कि मल्टीनेशनल कंपनी जहां मंथ का लैक्स एंड लैक्स पेमेंट हो रहा था, यू नो स्टूडेंट जो आईआईटी से निकलता है या प्रीमियर कॉलेजेस से निकलता है उसका जॉइनिंग पैकेज ही, यू नो दिस इज ऑलवेज मोर लाइक 2 लाख और समथिंग पर मंथ, लेकिन 1-1.5 साल नौकरी करके, am I audible? Yes, ma'am. 1-1.5 साल नौकरी करके that person opts for sitting for commission exams, BPSC, UPSC के लिए करता है। IITians don't sit for BPSC for sure, but they prepare for UPSC. लेकिन government jobs में या इस तरीके के jobs में तो there is no money. Yes, ऐसा money नहीं होता है। बाकी लोग बताइए। Stability है, satisfaction है। Security उसमें ज़्यादा है। Security जैसे कोविड आ गया तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था कि कितने एम्प्लॉइज को पेमेंट या फिर सैलरी नहीं मिला था, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, वो लोग जॉब करे ना करे उनको पेमेंट मिल जाता है। ओके, और बताइए वेद, आकांक्षा, मुस्कान, एवरीवन, व्हाट इज करियर फॉर यू? तुम लोग कोई सोसाइटल एस्पेक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हो, इज इट जस्ट मनी? नो, आई थिंक इतना तो तुम लोग को आसपास के भी सराउंडिंग से ये चीज का एक्सपीरियंस होता है। मैम, जिस काम में हमें इंटरेस्ट बढ़ता हो रोज रोज, वो काम को हम जितना इंटरेस्ट के साथ करेंगे ना, उतना ही आपको उस काम में मन लगता है। ठीक है, तो व्हाट इज द इन्फरेंस दैट यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? मैम कि जब जो काम में हम इंटरेस्ट लेके काम करेंगे तो उसमें हमें सक्सेस ज्यादा मिलता है। अच्छा, आई विल कॉन्ट्रडिक्ट दिस। सपोज तुम पेंटिंग में बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी गुड एट पेंटिंग, नाउ टेल मी कितनी अपॉर्चुनिटीज है पेंटिंग में बहुत पैसा कमा लेने की? हाउ मेनी पेंटर्स डू यू नो एक्सेप्ट एमएफ हुसैन? ओके, देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम आल्सो। यस मैम, डिजाइनिंग के लिए भी बहुत प्रोसेसिंग है मैम, मैंने चेक किया है मैम, मैंने सर्च भी किया है कि मतलब डिजाइनिंग कोर्स में ज्यादा मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी होता है मैम। ओके अंशु, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, इफ यू हैव इंटरेस्ट देन इट इज फाइन, लेकिन आई जस्ट पुट फॉरवर्ड माय पॉइंट, यू गिव योर पॉइंट लॉजिकली। ओके, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग इट, आई जस्ट वांट टू नो योर व्यूज अबाउट करियर। आई थिंक दिस इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर अ स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर हु इज गोइंग टू यू नो गेट आउट ऑफ द कॉलेज इन जस्ट फ्यू मंथ्स। और लोग बताइए, मुस्कान मैम, करियर का मतलब अच्छा पोस्ट हो, अच्छा पोजीशन हो, अगर कोई पूछ रहा है कि हाँ आप किस पोजीशन पे या किस कंपनी में जॉब करते हैं तो मतलब ऑनेस्टली बता सके कि हाँ हम इस कंपनी में इस पोस्ट पे है, ये बोलने में शर्म ना आए, एक अच्छा रेपुटेशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, दैट्स ऑल करियर। ओके, एक बहुत अच्छा पॉइंट मुस्कान बोली कि सोशल स्टिग्मा अटैच नहीं, जैसे बहुत सारे आप इस तरीके का जॉब करें जिससे कि आपको सोसाइटी में योर हेड इज हेल्ड हाई, ओके, योर हेड इज हेल्ड हाई एंड यू डोंट फील शाय इन टेलिंग दैट कि आप ये काम कर रहे हैं, राइट? ये चीज है। अच्छा, पेरेंट्स का भी एस्पेक्ट किसी ने डिस्कस नहीं किया है, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है?
मैम बहुत इम्पोर्टेंट है वो तो, इम्पोर्टेंट है मैम। हम कैसे लाइफस्टाइल में हैं और कैसी लाइफस्टाइल अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं वो स्टैंडर्ड है अबव स्टैंडर्ड है ये सब भी मैटर करता है। नहीं नॉट दैट माही, वेट मुस्कान वाज सेइंग समथिंग। मुस्कान से यस मैम, एक्चुअली पहला स्टेज ही होता है किसी भी चिल्ड्रन को, जैसे वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो वो उनके माइंड में सबसे पहले यही रहता है कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं। वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस मैम, उसके बाद फिर वो अपने अपने करियर अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं तो करियर में अपने करियर अपने लाइफ, और इसको कहते हैं सोशल कंप्लायंस, इसको कहते हैं योर फैमिली कंप्लायंस। आपको नहीं पता है या आप ये चीज कॉन्शियसली अवेयर नहीं होंगे, बट सबकॉन्शियसली आपने जब बीबीएम चूज किया तो बहुत सारे जो और एस्पेक्ट्स थे उसको पहले से ही फिल्टर आउट कर दिया है। लाइक यू आर नॉट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ साइंटिस्ट, राइट? यू आर नॉट प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ डॉक्टर, अंडरस्टूड? और इस तरीके का फैसला लेने में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सोसाइटी ने आपको हेल्प किया है कॉन्शियसली और कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, राइट और रॉन्ग? पेरेंट्स ने हेल्प किया होगा ना? और क्योंकि बीबीएम चूज किया है सो बीबीएम के आगे भी चीजें वैसी ही एक्सपेक्ट की जा रही होंगी जैसे करियर ग्रोथ मैनेजमेंट स्टूडेंट का पढ़ता है। यस मैम, राइट? सो करियर इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, करियर इज योर ओवरऑल एटीट्यूड। देखो पैसा ठीक है, पैसा मनी इज द प्राइम मोटिवेशन, लेकिन द फैक्ट कि मनी से रिलेटेड कर दे तो जो गलत काम कर रहे हैं उसमें तो ज्यादा पैसा है लेकिन उसमें तो करियर नहीं। लेकिन वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट विनीत, क्योंकि वो तो एक्सेप्शन है ना। वो तो अब जैसे कि तुम स्टॉक मार्केट रीडर हो लेकिन तुम फ्रॉड कर रहे हो अंदर ही अंदर, बहुत एजुकेटेड हो स्टिल तुम फ्रॉड कर रहे हो। जैसे तुम कंपनीज में देखोगे इतने बड़े बड़े सीईओ घपला कर देते हैं तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे अभी, मतलब रॉन्ग चीजों को काउंट नहीं करेंगे। वो तुम किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हो। आईएएस ऑफिसर्स इतना पढ़ के एथिक्स में ऐसे लिख करके बिल्कुल एथिक्स का पेपर घाट के जाता है वो लोग, और कितना ब्राइबरी कितना सारे फ्रॉड में आईएएस ऑफिसर्स का नाम आया, राइट? सो वील नॉट टॉक अबाउट दैट, वील टॉक अबाउट ओनली द जेन्युइन थिंग्स राइट नाउ, ताकि आपको समझ में आए कि करियर और आगे हम जो पढ़ाने वाले, इसलिए हम तुमसे पूछे कि करियर के बारे में क्या समझते हो। पेरेंट का कॉम्प्लायंस इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हो कि नहीं तुम? सोसाइटी का कॉम्प्लायंस इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हो कि नहीं? चलो हम लोग रिलेटिव्स को भी सोसाइटी में डाल देते हैं, ठीक है? डू यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ टू सर्टन रिलेटिव और नॉट? यस मैम, यस मैम, यस मैम। This is called social compliance, this is called establishment. इसका मतलब होता है कि आप उन लोगों के सामने अपने आप को establish करना चाहते हैं at certain stage of career, stages of career अभी आगे पढ़ाएंगे, वैसे लोगों के सामने अपने आप को establish करना चाहते हैं who have some meaning attached to your life. Okay? उसमें आपके parents भी आते हैं, उसमें आपके relative भी आते हैं, उसमें society भी आती है. Okay? Now we'll start with, this is a very interesting topic. आप start की, ये आपके module में नहीं है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं। एक class लगेगा, पर आगे का जो career planning और development है, वो better तरीके से समझ में आएगा। Write down, stages of career. First is exploration. Exploration. Explore करने का क्या मतलब होता है? मतलब analyze करना, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना, एनालाइज करना नहीं। एनालाइज तुम उन चीजों को करती हो जिसका डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे तुम किसी प्लेस पे जाते हो, तुम पहाड़ों पे घूमने के लिए जाओगे, कोई बहुत ऑफ बीट जगह होगी तो उसके लिए वी यूज दिस वर्ड की वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस, राइट? राइट? तुम लोग अभी एक्सप्लोरेशन फेज में हो, जिस फेज में तुम हो दिस इज दैट स्टेज ऑफ योर करियर वेयर वी कैन से दैट यू आर एट, यू आर इन द एक्सप्लोरेशन स्टेज।
एक्सप्लोरेशन स्टेज का मतलब होता है कि यू हैव नॉट ज्वाइंड एनी वर्क, अभी आप काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आप लोग हैं थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड अब दिमाग चलता होगा कि ये सीनियर कहाँ है, वो सीनियर कहाँ है, ये कहाँ से इसका करियर का क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, मुझे क्या करना है, जैसे आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि बीबीएम के बाद जॉब करें कि बीबीएम के बाद एमबीए कर ले, जॉब करके एमबीए करना अच्छा होगा कि पहले एमबीए ही कर लेते हैं बाद में पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, ये सारी चीजें सोचते हैं कि नहीं? Yes, पटना में रुक जाए, पटना में अपॉर्चुनिटी है, पटना में करें जॉब, कि बाहर चले जाएं सर्च करने के लिए, बीबीएम करने के बाद कौन कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसको कि आप जिसमें कि यू कैन सिट यू कैन अपियर फॉर दैट, उन एग्जाम्स को आप फिल्टर करते होंगे, एमबीए करने के बाद कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, या आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से, कोई सीनियर से, किसी टीचर से पूछते होंगे, जैसे मुझसे कई क्लासेस में बच्चों ने ये पूछा है कि मैम जॉब करने के बाद एमबीए करें कि जॉब के जॉब बिना किए वी शुड कंटिन्यू स्टडी, कुछ लोग इतना ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं उनको लगता है कि जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा हो सिर्फ वो ही एक्सप्लोरेशन के बारे वो ही बताएं, जैसे बीबीए में कुछ बच्चों ने एकदम डायरेक्टली मुझसे पूछा मैम आप जॉब करके एमबीए की थी कि आप सीधा एमबीए की थी, ठीक है, दिस मच इज योर क्वेरी एंड दिस मच इज योर एंजाइटी इन माइंड, ओके, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेशन। ये जो एक्सप्लोरेशन वाला पीरियड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा अरे मम्मी पापा थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा करियर ऑप्शन टेकअप करना है, ओके? लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिलेटिव्स को फॉलो करते होंगे, अपने कजिन भैया या दीदी कोई होंगे उनको फॉलो करते होंगे, पेरेंट्स से लेते होंगे राय मशवरा, है कि नहीं है? देखो द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट एक्सप्लोरेशन पीरियड इज, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, देखो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट एक्सप्लोरेशन पीरियड इज, क्यों एक्सप्लोरेशन पीरियड तुम्हारे और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। अभी तुम स्टेजेस ऑफ करियर पढ़ रहे हो तो ये सबसे पहला स्टेज है जिसमें तुम लोग हो, लेकिन ये स्टेज भी बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे करियर को शेप करने में, एंड ड्रामेटिकली यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये बाद में निकल के आता है। जैसे अभी कम लोग होंगे लेकिन होंगे जरूर आपके बैच में, कुछ लोग होंगे जिनके आसपास ये एग्जाम्पल होगा कि आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर कमीशन एग्जाम्स, आई वॉन्ट टू राइट यूपीएससी एग्जाम्स, आई वॉन्ट टू राइट बीपीएससी एग्जाम्स, कोई है ऐसे मोटिवेटेड? इज समवन मोटिवेटेड और नॉट? मोटिवेटेड तो है बट यूपीएससी ये सब के लिए नहीं। ओके वेट, this is what I wanted to hear. Did Muskan say this? Did this come from Muskan? Yes, ma'am. Okay. यही factor career जो organization होता है उसके लिए important होता है, क्योंकि तुमको don't say that you are motivated. Motivation is another level of power and strength that you have in your personality. You just say कि ma'am सोचे तो है, लेकिन UPSC is अभी थोड़ा सा डर लग रहा है कि बहुत, तो तुमको अभी ऐसे फील होता होगा कि नहीं ये तो बहुत यू नो बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे उनके बस की बात है, ऐसा लगता है ना, इतना पढ़ पाएंगे कि नहीं, यानी ऐसा कुछ नहीं है, चाहोगे तो एक साल में प्रिपेयर करके दे सकती हो, बस ऑनेस्टी होनी चाहिए। लेकिन आई टेल यू जस्ट नाउ यू वॉन्टेड यू सेड कि मैम यूपीएससी देने का मन है, बीपीएससी एग्जाम राइट करने का मन है, ये जो एक कॉन्शियस माइंड में तुम्हारी चीज है, हो सकता है कि तुम बहुत यू नो इन अ वेरी सटल वे इट यू हैव दिस इन योर माइंड, लेकिन ओवर द इयर्स एज यू विल इवॉल्व
सपोज तुम बीबीएम के बाद 2 साल नौकरी कर ली, नौकरी के बाद भी एमबीए कर ली, तो भी तुम लमसम यू नो यू विल बी अराउंड 25 इयर्स ऑफ ओल्ड, 25 इयर्स ऑफ एज, 25, 26, even 27. बिलीव मी फॉर अ लॉट मेनी एम्प्लॉइज दिस कम्स अप आफ्टर, ये जो तुमने सोचा अभी ये आता है उस समय ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू आर इन द लेट पीरियड ऑफ योर 20s, यू नो वेरी गुड साइड ऑफ 20s व्हिच वी से इज 28, 29 एंड अप्रोचिंग 30. बहुत लोगों को जिनको पहले से अवेयरनेस नहीं है बनने को, लोग 23 साल में भी आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस आईपीएस, लेकिन फॉर मोस्ट पीपल वेयर द ड्रीम्स हैव इवॉल्व्ड लेटर इन लाइफ, समथिंग विच यू थॉट ऑफ इन द एक्सप्लोरेशन फेज, दिस विल कम अप लेटर, उस वक्त ये आएगा, तब आप ये सोचते हैं कि डिड आई प्रोवाइड एनी मीनिंग टू माई लाइफ, डिड आई डू वैल्यू एडिशन टू माई लाइफ, क्या मैंने वो अचीव किया जिसकी मैं केपेबल हूं, या मेरा स्ट्रेंथ इससे कहीं ज्यादा का है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस. दैट टाइम एक नेगेटिव वे में ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट वर्क करता है. द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट विल वर्क नेगेटिवली इन दैट मैनर, तब क्या होगा, यू विल थिंक अबाउट टर्नओवर, तब आप नौकरी छोड़ के यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं. अनीशा डोंट स्लीप इन क्लास. ओके मुस्कान, यू अंडरस्टूड दिस? यस मैम. दिस व्हाट यू थॉट राइट नाउ मे कम अप, मार्क माय वर्ड्स, देन आई विल नॉट बी देयर विथ यू, मे बी आफ्टर 5-6 years आप कहीं होंगे, अच्छी जगह सेटल होंगे, लेकिन दिस थॉट कि तुमको यूपीएससी राइट करना चाहिए, बीपीएससी यू शुड राइट, दिस विल कम अप लेटर इन योर लाइफ एंड यू मे डिसाइड टू लीविंग योर जॉब. दिस विल, दिस इज अ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस विल ड्राइव यू, दिस विल बी अ मेजर रीजन फॉर ड्राइव इन योर लेट 20s. अंडरस्टूड? This may come up early, but this most probably for most of us, it comes later in 20s. Okay? इस तरीके से ये organization के लिए भी तुम्हारा ये exploration period में ऐसी बातें सोचना तुम्हारे future organization के लिए भी relevance रखता है. Exploration period कब end होता है? ये pre-employment period है. Exploration का जो period होता है ये pre-employment होता है. ये तब end करेगा जब तुम कोई work join कर लो. जहां ज्वाइन करोगे, हाँ, जहां तुम एम्प्लॉयड हो जाओगे, ये फेज तुम्हारे लिए स्टॉप हो जाएगा. एक लमसम एज गैप दिया रहता है, एज का एक यू नो एक पीरियड दिया रहता है कि 20s, लेट 20s, मिड 30s, तो वो सबके लिए ट्रू नहीं होता है, बट फॉर इट होल्ड्स ट्रू फॉर अ मेजोरिटी ऑफ पीपल, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज. नेक्स्ट यू राइट डाउन एस्टैब्लिशमेंट पीरियड, stage of establishment. Establishment period. Now this establishment period means कि you have, ये जो establishment period होता है ये लगभग मिड 20s से लेके अगले 10 साल तक एक्सटेंड करता है. सो लमसम यू कैन इमेजिन दैट दिस एस्टैब्लिशमेंट पीरियड विल रेंज फ्रॉम 25 इयर्स प्लस 10 इयर्स टिल 35. यू कैन लमसम, ठीक है, जनरली स्पीकिंग यू कैन से दैट 10 इयर्स आफ्टर 25 इयर्स व्हिच इज मिड 20s यू कैन एक्सपेक्ट दिस एस्टैब्लिशमेंट पीरियड टू बी कंटिन्यूइंग. एस्टैब्लिश करना क्या है, इसका मतलब क्या हो सकता है? Now you think and tell me. हम किसी जॉब में सेटल हो जाना है तो उस समय हम लोग स्टेबलाइज हो जाते हैं. Very good. और बताइए. हाँ ठीक बोला. ठीक बोला. सेम मैम, जॉब स्टार्ट होगा और फिर धीरे धीरे जो पोजीशन बढ़ेगा, प्रमोशन होगा, सैलरी इंक्रीज होगा, तो ये सब एस्टैब्लिशमेंट पीरियड में आएगा. ठीक है, और कोई अलग आंसर या एनी वैल्यू एडिशन टू दिस आंसर?
एस्टैब्लिशमेंट पीरियड जब हम लोग लाइफ का अपना पहला कोई जॉब कर रहे करते हैं उसको कहते हैं, मतलब स्टार्टिंग ही है कि हाँ पहला मिला नौकरी हम लोग। ठीक है, एवरीवन कनेक्टेड द एस्टैब्लिशमेंट पीरियड विद द जॉब, व्हाई डोंट यू कनेक्ट इट विद सोसाइटी आल्सो? जैसे आई विल टेल यू, नाउ यू आर अ ग्रुप ऑफ से देयर आर 30-35 स्टूडेंट्स इन योर पीबीएम। अभी कॉलेज में एक साथ बैठ के ये बोलने में बहुत मजा आता है कि अरे छोड़ो तुम्हारी भी नौकरी कहीं हो जाएगी, अरे हम भी कहीं सेटल हो जाएंगे, यू नो जस्ट पुटिंग योरसेल्फ डाउन, ठीक है, इन ऑर्डर इन अ फनी वे ऑफ कोर्स कि हाँ ठीक है, अरे तुम भी ये कर लेना, हम भी वो कर लेंगे, नॉट सीरियस अबाउट योर करियर गोल्स, या फिर बहुत लाइट मोड में ऐसे बोल रहे हो कि हंसी मजाक चल रहा है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ चले जाना, हम भी यहाँ चलेंगे, हम भी पटना में रहेंगे, तुम भी यहीं रहना, यहीं घूमेंगे, यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। द टॉक्स आर फिल्ड लाइक दिस समटाइम्स, कभी कभी इन अ लाइटर वे, लेकिन जब आप एक बार जब वंस यू गेट आउट ऑफ द कॉलेज द एस्टैब्लिशमेंट पीरियड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कंटिन्यूज फॉर almost 10 years from 25 to 35. इसका मतलब 10 साल लगभग माना गया है कि 10 साल आप अपने करियर को establish करने में लगा रहे हैं। It is not just about your first job. You are getting properly established in an organization. You're getting my point? Just look at the duration of establishment period. If you are given 10 years to establish yourself, this means that there is a decade that has been given to you to establish yourself. Now, establishment period ka characteristic features kya hoga? Jab aap koi join karte hain organization, to aapko kaisa feel hota hai? What will be the feeling when you will first join an organization? तब तो मैम एक्साइटमेंट रहता है, कैसे करेंगे क्या है, खुशी रहती है, लेकिन बाद में ये करते हैं। ठीक है, और कुछ रहता है, एनी अदर फीलिंग यू वांट टू ऐड? थोड़ा सा घबराहट भी रहता है, हेजिटेशन भी रहता है। हु सेड? माही मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। सी दिस इज व्हाई आई मेक यू डिस्कस, अगर हम ही बोलते रहेंगे आपके अंदर का जो थॉट है, जो एक्चुअली आप जानते हैं, बस वो बोलते नहीं है, उसको कलेक्ट करके नहीं बोलते हैं, वो समझ में नहीं आता। ट्रू, मुस्कान ने जो बोला वो भी सही है, माही ने जो बोला दैट इज वैल्यू एडिशन टू मुस्कान आंसर। व्हेन यू फर्स्ट गो एंड जॉइन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू फील अ लिटिल, आप कितना भी अच्छी नौकरी करें लेकिन जो फर्स्ट आपका पीरियड होगा दैट विल बी फिल्ड विद अनसर्टेनिटीज, राइट? वो अनसर्टेनिटी से फिल्ड होगा, वो एंजाइटी से फिल्ड होगा, थोड़ी घबराहट रहेगी, थोड़ा अनसर्टेन रहेंगे आप कि कैसे काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, व्हाट विल बी द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ आर यू परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, आर यू लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड व्हिच इज एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, ओके, फ्रॉम मी। तो ये सारी चीजें मार्क करती है एस्टैब्लिशमेंट पीरियड। जब एस्टैब्लिशमेंट पीरियड धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो क्या होता है, when establishment period proceeds gradually towards its late end, aap kafi kuch seekh chuke hote hain, this is marked by learning, kafi kuch learning kar chuke hote hain, you have conquered your anxieties, you have conquered the fear of uncertainties, you are proceeding actually now towards establishment, right? ye establishment sirf workplace pe nahi hota hai. Why I gave you this friend वाला example कि अभी आप हंसी मजाक में क्लास में ऐसे बोलते हो कि भाई तुम भी पटना में रहना, हम भी पटना में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब आप कॉलेज से बाहर चले जाते हैं और आप एक सर्टेन एज में आ जाते हैं, जैसे आफ्टर 25, 27, 28, इस एज में जब आप आएंगे यू विल बिकम वेरी सीरियस, यू कैन नॉट टॉक दिस कैजुअली। आपको सिर्फ वर्क प्लेस पे establish नहीं करना है अपने आप को, आपको फैमिली में भी एस्टैब्लिश करना है अपने आप को। अंडरस्टूड? यू कैन नॉट लीव योरसेल्फ अनप्रूवन इन द फैमिली। आपको सोसाइटी में भी एस्टैब्लिश करना है आपको अपने आप को,
कि यू आर डूइंग समथिंग सब्सटेंशियल टू योर करियर एंड टू योर लाइफ, क्योंकि दैट विल मेक रेप्यूटेशन फॉर यू, दैट इज हाउ पीपल विल स्टार्ट परसीविंग यू. अभी आपको जिस तरीके से सोसाइटी में परसीव किया जा रहा है, क्या आप सपोज कि तुम लोग कोई 21 साल का है, आज से 6-7 साल बाद क्या तुमको इसी अल्हड़पन से परसीव किया जाएगा? नहीं किया जाएगा. और तुमको ये जान के हैरानी होगी कि कोई और क्या परसीव करेगा, तुम खुद अपने आप को इस तरीके से परसीव नहीं कर पाओगे कि मेरा इतना एज हो गया है एंड आई हैव नॉट सेटल्ड, आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव माई सेल्फ टू द सोसाइटी, टू द फैमिली, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग सब्सटेंशियल, दैट कैन लीड टू फ्रस्ट्रेशन एट अ प्लेस. ये रेलेवेंस होता है एस्टैब्लिशमेंट पीरियड का. सो हम क्यों ये चीज पढ़ाए तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग जनरली करियर को पैसा और सिर्फ पढ़ाई से जोड़ते हो. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट करियर. यू आर इन अ फेज जब आप कॉलेज में हैं, थर्ड ईयर में हैं, बच्चे हैं अभी थर्ड ईयर में, ग्रेजुएशन, दिस 19, 20, 21 इज अ वेरी स्मॉल एज. वंस यू आर सर्टेन एज, 26, 27, यू विल स्टार्ट बिकमिंग सीरियस मोर. तब आप ये सोचेंगे कि हैव आई एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ इनफ इन द फैमिली, क्या मेरा वो स्टैचर है जो बाकी 26 ईयर्स ओल्ड का है, जो बाकी 27 ईयर्स ओल्ड का है, हैव आई डन समथिंग सब्सटेंशियल टू माई लाइफ. समझ आई बात? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सोचते नहीं है, इतने सीरियस नहीं है. But you should think about that. Whoever said this? Muskan, Mahi. आपने ये नहीं बोला, but you know, goal setting is always before the path setting. रास्ता चलने से पहले ही ये ज्यादा important होता है कि आप अपना goal set कर लीजिए. एक बार तुम दिमाग में focus करके ये बना लो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो बाकी चीजों को filter करने की energy आती है, capacity आती है, strength आता है. अगर तुम गोल ही सेट नहीं करोगे तो रास्ते को लेके हमेशा फंबल करते रहोगे. बिलीव मी, इट हैपेंस. ओके, गोल सेटिंग इज समथिंग दैट मेक्स यू वेरी स्ट्रांग हेडेड. और व्हाइल आई से दिस कि आप लोग बच्चे हैं, एट द सेम टाइम आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि 23-24 इयर्स के लड़का लड़की सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री पे IAS ऑफिसर्स बनते हैं, राइट? और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं देश का, एक डिस्ट्रिक्ट का. तो डेफिनेटली बाय दैट स्टैटिस्टिक्स आप बच्चे तो नहीं हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. देखो, एस्टैब्लिशमेंट पीरियड आल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, क्योंकि आप जब कुछ करेंगे, अभी आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो आप ज्यादा गलतियां करेंगे ही नहीं, ठीक है? और जब आप कुछ करना शुरू करेंगे एक्चुअली सब्सटेंशियल, तो गलतियां होती है, ये इनेविटेबल है. जब कुछ करने जाओगे तो गलती करोगे तो सीखोगे. इफ यू डोंट डू मिस्टेक्स यू विल नॉट लर्न, इफ यू डू नॉट लर्न यू विल नॉट ग्रो. इट इज वेरी सिंपल फंडा ऑफ लाइफ, ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम समबडी एक्यूजेस यू ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, प्लीज प्राउडली से दैट आई एम लर्निंग थ्रू माई ओन मिस्टेक्स. ओके. एस्टैब्लिशमेंट पीरियड का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट पीरियड में आपका स्टैचर जो होता है वो जूनियर का ही होता है. यानी आपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर 3-4 साल बिताया है, स्टिल यू आर एट अ जूनियर पोजिशन, क्योंकि एज कम होती है, यू आर लर्निंग, यू आर एट अ जूनियर पोजिशन. तो आपके सीनियर्स जो होते हैं इस वक्त आपको रास्ता दिखा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको बता रहे होते हैं कि हाउ टू बी मोर रेलिवेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, we did two stages today, which was exploration and establishment. In the next classes we will deal with the other three stages. Okay.